डॉग हेल्थ से रिलेटेड कोई भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल डॉग एंड वेट को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए आपको बेल आइकन को हिट करना पड़ेगा और हिट करने के बाद आप नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहेगी। वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉग एंड वेट में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पपी केयर के बारे में कि अगर आपके घर में पपी है तो उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है उसकी बेटर हेल्थ के लिए। अगर ये सब चीज़ें आपको पता रहेंगी तो आप अपने पपी की अच्छी तरह से केयर कर सकते हैं। ओके, पपी जैसे ही बॉर्न होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होता है और वल्नरेबल होता है इन्फेक्शन के। ओके, तो अगर हम इसकी प्रॉपर केयर नहीं करेंगे तो वो ईजिली सिक हो जाएगा। यूजली ये पाया गया है बेस्ड ऑन द डेटा डेटा कि पपी की मोस्टली जो डेथ होती है वो स्टार्टिंग के 3 मंथ की एज तक हो जाती है अगर प्रॉपर केयर नहीं रहेगी तो। ओके, इसलिए स्टार्टिंग के 3 मंथ तो बहुत बहुत क्रिटिकल हैं एज फार एज डिजीज इज कंसर्न। ओके, और इसलिए इस फर्स्ट 3 मंथ में बहुत बहुत जरूरी है ध्यान में देना। पपी जब डिलीवर होता है तो आप सभी जानते हैं कि बच्चा जब भी पैदा होता है तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसको मदर की फीडिंग। मिल्क फीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पपी हेल्थ। इसलिए आई रिकमेंड कि जैसे ही पपी की डिलीवरी हो उसको मदर की मिल्क की फीडिंग कराना बहुत बहुत मस्ट है। ओके, और ये रिकमेंडेशन दी जाती है कि एटलीस्ट 20 डेज तक जो है उसको कंटिन्यूस मिल्क फीडिंग हो, मिनिमम 20 डेज। जो नॉर्मल रिकमेंडेशन होती है वो 2 महीने की एज तक होती है। पपी को अगर आप 2 महीने की एज तक अगर प्रॉपर मिल्क फीडिंग कराएंगे मदर मिल्क की तो उस आपका पपी बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा, उसको इन्फेक्शन कम से कम होंगे और वो हेल्दी हैवी बोन भी रहेगा। और जेनेटिक ये भी पाया गया है कि जो जेनेटिक एक्सप्रेशन होता है हेल्दी जीन का वो ज़्यादा होता है अगर आप मदर मिल्किंग करवाएंगे तो। ओके, इसलिए आई रिकमेंड कि आप प्लीज़ अपने पपी को 2 महीने की एज तक जरूर मिल्किंग कराइए, मिल्क फीडिंग करवाइए। ओके, अगर आप पपी को बाई करते हैं तो इन दैट केस आप इतना इंश्योर कर लीजिए कि एटलीस्ट पपी की एज 50 डेज से 2 महीने की एज रहे और उसको उसकी जो हेल्थ है उसका जो बॉडी फिगर है वो अच्छा रहे। और उसकी आप ब्रीडर से ये भी पूछिए कि आपने उसको प्रॉपरली मिल्क फीडिंग कराई है कि नहीं और उसकी मदर से जरूर मिलिए। ओके, ये बहुत ज़रूरी है जानना। अगर इन केस अगर आपका पपी है और आप पपी की जो मदर है, जो मदर डॉग है, वो मिल्किंग नहीं कर हो रही है, उसको मिल्क नहीं आ रहे हैं या फिर वो अलाउ नहीं कर रही है या फिर उसकी डेथ हो गई हो, ओके, तो इन दैट केस आपको मिल्क तो देना देना बहुत ज़रूरी है। बट काउ मिल्क, किसी भी एनिमल का मिल्क रिकमेंडेड नहीं होता है पपीज़ के लिए। इसके लिए मिल्क रिप्लेसर मार्केट में अवेलेबल होता है, आप उसको परचेज करके 2 महीने के इस तक खिला सकते हैं। इंपॉर्टेंट पपी मिल्क रिप्लेसर जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं अमेजोन से। ओके, तो आपको 2 महीने तक मदर मिल्क रिप्लेसर देना है। 2 महीने की एज के बाद जो है आप जो है नॉर्मल फूड स्टार्ट कर सकते हैं। नॉर्मल फूड जो पपी को देना है उसमें स्टार्टर फूड आता है, उसके बाद फिर पपी जूनियर फूड आता है। तो जो फूड प्लान है उसके लिए मैंने अलग से पपी फूड प्लान की वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से उसको देख के फॉलो कर सकते हैं रिगार्डिंग फूड। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं जो अदर केयर होती है कि पपी जब डिलीवर होता है, पपी की स्टार्टिंग के 2 महीने उसको काफ़ी वार्म की ज़रूरत है, उसको वार्म एंड कम्फर्टेबल प्लेस में रखिए, कवर्ड एरिया में रखिए, ओपन एरिया में उसको मत रखिए। ओके, और पपी को 3 महीने की एज से पहले जो है वो बाहर आप उसको वॉक कराने नहीं ले जाएंगे, उसको आप इंडोर रखिए। कारण क्या है कि अगर 3 महीने की एज से नीचे है तो उसको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो बाहर जाए और उसको इन्फेक्शन हो जाए, इसलिए 3 मंथ की एज तक आप उसको बाहर नहीं ले जाएंगे। अदर देन दिस आपको 50 डेज की एज पे आपको उसको वैक्सीनेशन कराना है कंबाइंड वैक्सीन का, और 3 मंथ की एज पे उसको एंटी रेबीज का शॉट लगाना है। ये एटलीस्ट 2 शॉट लगे तभी आप उसको बाहर लेके जाइए। वैक्सीनेशन का डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, आप देख के। ओके, और इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी आप अपने डॉग को, पपी को जब भी आप बाहर ले जाइए तो आप प्लीज़ उसको ज़्यादा रनिंग मत कराइए स्टार्टिंग के 3 to 4 मंथ्स पे। ओके, बस केवल नॉर्मल वॉक ही रिकमेंडेड होता है। इसके अलावा डिवॉर्मिंग भी बहुत ज़रूरी है पपीज़ की। जैसे ही पपी डिलीवर होता है तो उसकी जब एज 2 वीक्स की हो जाए तो आप उसको फर्स्ट डिवॉर्मिंग करवाइए, बहुत बहुत ज़रूरी है। डिवॉर्मिंग 15 डेज के बाद जो है एवरी 2 वीक्स पे रिपीट होना चाहिए, जब तक कि उसकी एज जो है 3 मंथ की ना हो जाए। 3 मंथ की एज के बाद 6 मंथ की एज तक आपको एवरी मंथ डिवॉर्मिंग करनी है, और 6 मंथ की एज के बाद उसको आप एवरी 3rd मंथ डिवॉर्मिंग करेंगे। डिटेल में डिवॉर्मिंग की मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा आपको ये भी जानना जरूरी है कि वैक्सीनेशन जो आप करते हो, ओके, आप उसका पूरा प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए, उसमें गैप नहीं होनी चाहिए। अगर आप गैप करोगे तो वैक्सीनेशन फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसलिए आप प्रॉपरली जो रिकमेंडेड गाइडलाइंस है वैक्सीनेशन की उसको आप फॉलो कीजिए। ओके, और
एक चीज और भी जाना जरूरी है आपको कि पपी को कभी भी आप बेदिंग नहीं करवाएंगे, बात नहीं करवाएंगे जब तक कि उसकी ये 3 मंथ की ना हो जाए। अगर आपको लगता है कि आपका पपी जो है काफी गंदा है, डर्टी है, उसमें फाउल स्मेल आ रही है, तो आई रिकमेंड कि कुछ ड्राई शैम्पू आते हैं और कुछ डिओड्रेंट आते हैं जो कि इन सब चीज़ों को सप्रेस कर सकते हैं। मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ड्राई शैम्पू और डिओड्रेंट के लिंक दिए हुए हैं, आप वहां से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। ये कि पपी की टीदिंग फेज से 6 से 7 महीने तक होती है और इस एज में, इस फेज में क्या होता है, उनको च्यूइंग की हैबिट और बाइटिंग की हैबिट कॉमन होती है। इसलिए आप ये मत परेशान होइए कि बहुत ज़्यादा बाइट कर रहा है, ये ओकेजनल बाइटिंग नहीं होती, ये नेचुरल बिहेवियर होता है। इसलिए आई रिकमेंड कि आप उसको मल्टीपल ट्वाइस दीजिए और ट्वाइस ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए जिससे कि उसकी जो इरप्टिंग टीथ हैं वो ब्रेक ना हो। और इसके अलावा जो आप उसकी कमांड ट्रेनिंग भी शुरू कीजिए, कमांड ट्रेनिंग भी एटलीस्ट 3 मंथ की एज से शुरू हो जानी चाहिए। देखो स्टार्टिंग में अगर आप उसको कमांड ट्रेनिंग प्रॉपरली दे देंगे तो ये बाइटिंग की टेंडेंसी जो है और एग्रेशन की टेंडेंसी 6-7 मंथ के बाद ख़त्म हो जाएगी। ओके, पपी की पॉटी ट्रेनिंग और सुसु की ट्रेनिंग भी जो है वो जैसे ही आप पपी घर में लाइए उसी समय स्टार्ट हो जानी चाहिए। स्टार्टिंग में 2 से 5 दिन या हफ्ते भर तक शायद वो फॉलो ना करे, तो इन दैट केस आपको ये करना है कि आप डायपर ले आइए, पपी के डायपर्स अवेलेबल हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डायपर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन दिए हैं, आप वहाँ से बाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ इसके पपी ट्रेनर के सोल्यूशन आते हैं, आप उस सोल्यूशन को भी यूज़ कर सकते हैं। इनिशियली अगर पपी की एज जो है वो 3 to 4 मंथ से ऊपर हो जाएगी तो ये सोल्यूशन मोस्टली काम नहीं करते हैं। तो आई रिकमेंड कि जब भी पपी की एज जो है वो 2 से 3 महीने की रहे तो उसी पीरियड में आप पपी की ये जो सोल्यूशन है उसको बाई कर लीजिए। लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से बाई कर लीजिए और आप जो है आके उसको अगर यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको डेफिनेटली जो है फ़ायदा मिलेगा।